दिवाली में आए हैं यहाँ पर माँ नंदा एक कीर्तन मंडली है, उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया और मुख्यकर्ता के रूप में हमारे जीना जी की मदर नाम अनीता जीना जी हैं और ये हमारे जो हैं मिस्टर करने लग गया था और ये हमारे रमेश रावत जी हैं और आपको पता है बहुत पुराने परिचित लोग हैं ये लोग, माता के प्रति हर बार करते रहते थे। हमने तो इनके आयोजन देखे हैं, गोल मार्केट में भी देखे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं और इनके आयोजन बहुत अच्छे होते हैं। ये पहाड़ की संस्कृति को बनाए रखने के लिए और आपस में एक हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है उसको बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी संस्कृति जो पहाड़ की है वही देवी देवताओं के देवभूमि से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हम माँ नंदा पहाड़ की बहुत बड़ी देवी के रूप में हमारी मानी जाती है। अलबड़ा नैनीताल से लेकर के वो नंदा राजजात यात्रा निकलती है तो उसमें भी जो ये है नंदा देवी का बहुत अच्छा गुणगान किया जाता है और हमारे ये नवीन जीना जी के द्वारा, रमेश रावत जी के द्वारा और अन्य यहाँ के जो वैशाली के रहने वाले जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं, हमारे इस राजजात नंदावल से देवी से जो जान पहचान के हैं, जानते हैं, जागरूक हैं और उन्होंने इसका आयोजन किया है। मैं अपनी ओर से और इन लोगों की ओर से, जीना जी की, रमेश रावत जी की ओर से इस पूरे आयोजन करने के लिए और यहाँ पर आने वाले भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि वो इस राम जन्मभूमि के जो परसों 22 तारीख को भव्य समारोह होने वाला है उसकी पूर्व संध्या पर इन्होंने ये आयोजन किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद हमारे ट्विंस जो मानिला ट्विंस के नाम से जो ये यूट्यूब चैनल है हमारे नेगी बंधुओं का, हरक सिंह नेगी और हीरा सिंह नेगी का, इन लोगों के द्वारा इसको प्रचारित किया जाएगा और देश विदेश में ये आपके माध्यम से फैलेगा कि हमारे पहाड़ की संस्कृति इसी तरह से फलते फूलते रहे, हम लोग पहाड़ के प्रति भी जागरूक रहें, यहाँ रह रहे वहाँ भी जागरूक रहें। धन्यवाद। पहले राम राम ये हमारा पार्षद जी हैं हमारे और ये हमारे आओ भाग्य हमारे कई देर से हमारे पास बैठे हुए हैं और बाकी हमारे पार्षद जी से आप इंटरव्यू लो। माँ नंदा देवी कीर्तन मंडली द्वारा ये आयोजित माता की चौकी बहुत ही शानदार चल रही है और माता रानी की कृपा हम सभी वैशाली वासियों पे निरंतर बरस रही है और मैं इस पूरी मंडली को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने जागरण का, माता की चौकी का आयोजन किया और हम सभी लोग यहाँ पे धर्म लाभ लेने के लिए आज उपस्थित हैं। जय माता, जय श्री राम। मेरा नाम श्याम सिंह है, मैं संत नगर बुराड़ी से आया हूँ। मैं वैसे उत्तराखंड मानिला नथुरा से हूँ और यहाँ वैशाली में आज प्रोग्राम हुआ था जागरण का, माता का जागरण हुआ था। जागरण देख करके बहुत अच्छा लगा हमें, हम यही चाहते हैं कि आगे ऐसे प्रोग्राम होते रहे और जिससे हमारे उत्तराखंड का आगे मतलब सभी आगे आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छी प्रेरणा मिले। धन्यवाद। भजन ठीक रहे? बहुत बढ़िया। कलाकार कौन कौन आए थे? कलाकार आज शिवदत्त पंत जी आए थे, उनकी टीम आई थी, बहुत अच्छा लगा। गाने सुनके मन विभोर हो गया, भजन सुन के मन भाव विभोर हो गया। राम नक्तुरा से यहाँ इंदिरापुरम नितिकंड थर्ड में रहता हूँ। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और आज भजन कीर्तन बहुत अच्छे लगे। बहुत बढ़िया। और ठंड भी हो गई, भजन का आनंद आया। बहुत बढ़िया, हम तो भजन में आनंद लेने ही आते हैं। खाना खाने के बाद ठंड हो गई है। बच्चे नहीं आए? बच्चे आए हैं ना। कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, भव्य प्रोग्राम था, खाने पीने की सब चीज़ की अच्छी व्यवस्था थी। ठंड हो गई? हाँ थोड़ा ठंड हो गई, लेकिन पहले नहीं लग रही थी, अब लग रही है। आज का प्रोग्राम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। कैसे आनंद आया? नहीं आया क्यों नहीं आया, बहुत आनंद आया। और यहाँ कैसे तुम? हमारे यहाँ छा दड़िम दड़िम मैं दड़िम छा चौराह दिवेल छा रहन कर छी हम ये वैशाली रहन युग में मैं दगड़ी नहीं मिले जानू मैं दगड़ी नहीं आज मिल गई दगड़ी यू मैं भौजी मेहता खाए मेरा भौजी आए मतलब यू भौजी हम तो आपके पड़ोसी हैं। प्रोग्राम अच्छी लगा ना? हाँ प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, होते रहे हम आते रहे आपके साथ। अच्छा। जाते रहे आज वो मन्ना जी नहीं आए? मन्ना जी आज किसी कार्य से काम के वजह से नहीं आ पाए। हाँ ऐसे
अगली बार आएंगे। अच्छा, वैसे तो आपके में देख लेंगे। हाँ, और तुम्हें भजन भले ही ना होता है, बढ़िया, बहुत आनंद आया भजन, बहुत बढ़िया। हाँ, ठंड तो कम अच्छा लगा, ठंड नहीं लगी, ठंड नहीं लगे हमको, टाइल बजाना। आज का प्रोग्राम कैसा लगा आपको? हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, भजन संध्या बहुत अच्छी हुई। और गांव का अच्छा, गांव मेरे गांव मैं तो नैनीताल छ और स्वराज वहाँ छ द्वारिहाट। यही वैशाली। आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। आनंद आया।